दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ आगरा में गरीबों के 5 स्टार होटल पर, यहाँ का देसी और सबसे सस्ता भोजन टेस्ट करने के लिए। यहाँ अगर आपको मात्र 20 रुपए में पेट भर भोजन, जिसमें फूली हुई चूल्हे की रोटी, 10 रुपए में चूल्हे वाली दाल, मात्र 10 रुपए में चूल्हे पर सेके हुए गर्मा गर्म आलू के पराठे और सुबह से लेकर रात तक कभी न रुकने वाली भीड़ देखने को मिलेगी, तो चलिए दोस्तों आज दिखाते हैं आपको गरीबों के 5 स्टार होटल का जायका। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं रवि और आज आपको लेकर आया हूं गरीबों के 5 स्टार होटल पर। लोकेशन आगरा के संजय पैलेस, ये एमडी जैन कॉलेज है सामने, उसके बगल से है जैन मंदिर। जैन मंदिर के ठीक सामने आपको ये ढाबा मिल जाएगा, फुटपाथ पर रोड साइड बर्तन रखा हुआ। दादी सुबह ही सुबह पराठे की व्यवस्था कर रही है, नाश्ते में पराठे आपको बढ़िया से आलू के पराठे मिल जाएंगे। अगर खाना खाना है तो खाना खाने की व्यवस्था यहाँ पर। मॉर्निंग में सुबह ही सुबह चूल्हे की रोटियाँ चल रही हैं भाई साहब, क्या आनंद है भाई, सुबह ही सुबह चूल्हे की रोटी, बिल्कुल देसी स्वाद दिखाया जा रहा है आपको, और पराठे भी लग रहे हैं। तो नमस्कार भैया। हाँ जी नमस्कार। तो कितनी सब्जियां अपने पास? हमारे पास 4 सब्जियां, 4 तरह की सब्जी रहती है। हाँ जी। क्या क्या, थोड़ा चला के दिखा दो आप। ये उड़द चने की दाल है। अच्छा जी, तड़का वड़का मार के एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई, पालक भी है क्या इसमें? नहीं, पालक नहीं है, उड़द चने की दाल है। दूसरी आलू टमाटर है। अच्छा, आलू टमाटर है। ये तो इतनी महंगाई में टमाटर की सब्जी चल रही है सर, चलाते हैं। अच्छा, 200 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, चलाना पड़ता है। और यहाँ देखो आलू टमाटर की सब्जी चल रही है भाई। और ये है अपनी सूखी सब्जी, ये देखो टमाटर देख लो बढ़िया। और ये है, ये आलू रमास है। अच्छा, आलू रमास। हाँ जी। तो सब्जी तो बदलती रहती होगी रोज? हाँ जी, रोज बदलती है, दोनों टाइम बदलती है, सीजनेबल रहती होगी। सुबह अलग शाम को अलग, सुबह अलग रहती है शाम को अलग रहती है। हाँ जी। और ये अंडा करी है। अच्छा, अंडा करी भी है यहाँ पर। हाँ जी भाई, ये देखो अंडा करी भी है। तो क्या रेट क्या क्या रहता है अपना? अंडा देते हैं 15 का, 15 रुपए का एक अंडा। हाँ। करी के साथ? हाँ, कढ़ाई वाली 10 रुपए की है। अच्छा, ये 10 रुपए की सब्जी। हाँ, है ये रोटी के साथ में 20 रुपए की 4 रोटी आती है। अच्छा, 20 रुपए की 4 रोटी के साथ, 20 की 4 रोटी और एक साफ सब्जी आलू टमाटर की, एक आलू टमाटर की सब्जी मिलती। हाँ। है अगर एक्स्ट्रा कोई ले दाल लोगे वो भी आपको 10 रुपए की मिलेगी। 10 रुपए की, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करके एक सब्जी मिल जाती है। अगर 10 रुपए और दोगे तो ये सब्जी भी ले लोगे, 15 रुपए की आपको एक अंडा करी मिल जाएगा, और 20 रुपए के चावल है। अच्छा, चावल अलग रहते हैं। 20 रुपए के चावल है, तो 20 रुपए में आप आराम से खा सकते हो लगभग, 4 रोटी और एक सब्जी मिल जाएगी आपको आराम से। और चूल्हे की रोटी है। हाँ जी। और पराठे का क्या प्राइस रहता है? पराठे 20 रुपए खाली दो है, 20 रुपए साथ में देंगे। अच्छा, 10 रुपए पराठा। हाँ। तो कितने बजे से खुल जाता है ये? हमारा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। 8:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। हाँ जी। तो जी, इस ढाबे को कितना समय हो गया? इस ढाबे को हो गया हमारा 18, इस होटल को 18 साल बोलेंगे, 18 साल हो गए, 18 साल इस होटल को 18 साल हो गई। तो इतना सस्ता कैसे भाई साहब, एक प्रश्न है मेरा, इतना सस्ता कैसे, इतनी महंगाई में आप टमाटर की भी सब्जी खिला रहे हो भाई? सस्ता ये है, एक सेल होती है, सेल का मतलब भी होता है, और गरीब आदमी कहा जाएगा उसी हिसाब से, हम जैसा सौदा बनाते उसी हिसाब से लगा देते हैं, उसी हिसाब से चलता है भाई यहाँ पर। देखो ऐसा नहीं है, मैं 1000 कमाने बस 2 रुपए मिल जाए वो होते हैं। क्या बात है भाई, ये बात बोली भाई साहब ने, 2 रुपए मिल जाए वो सेवा करते हैं, बस सेवा भाव चल रहा है। तो यहाँ देखो सुबह ही अभी 8:30-9 का टाइम हो रहा है, क्राउड लग रहा है खाने वालों का, यहाँ सारे लोग वर्कर लोग आते हैं। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा सा चूल्हा है, पीछे सब्जी हो रही है। यहाँ किस चीज की सब्जी बन रही है? सब्जी तो नहीं बन रही है, आलू हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखो पराठे रोटी सब कुछ रहता है। तो सब्जी वगैरह 2 टाइम बनती होंगी कि सुबह? दोनों टाइम अलग अलग बनती है। अच्छा, दोनों टाइम अलग अलग रहती है। अब दाल बनी है उड़द चने की, समझा को अरहर की बनेगी, अरहर की बनेगी। तो हफ्ते में 7 दिन बढ़िया सा खाना मिलता है। हाँ, अलग 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 दोनों टाइम बनता है। यहाँ तो मेहनती लोग ज्यादा आते होंगे, ऑटो वाले ड्राइवर सब मजदूर आता है, इंसान मजदूर आदमी आता है, सब मजदूर आदमी है। तो जिसपे भाई बजट के पैसे रहते हैं वही आके अपने, और क्या, तो जिस पे बजट के पैसे रहते हैं वो आके यहाँ पर अपनी पेट पूजा करता है। खाना भी मैंने आपको दिखाया, रंगत कितनी बढ़िया है, देखो अंडा करी की रंगत कितनी अच्छी है, आपको सूखी सब्जी की रंगत देख लो आप, पूरी उठा के दिखा रहा हूँ सूखी सब्जी की, और पूरा ढक के रखा हुआ है, देखो पूरी प्लेट वगैरह ढक के आलू टमाटर की सब्जी मिल जाएगी, दाल आपको चेंज मिलेगी। ये देखो भाई आलू टमाटर 20 रुपए में आपको पेट भर खाना है, 4 रोटी सब्जी आराम से आप खा के एंजॉय कर सकते हो।
यहाँ भाई हल्ला चल रहा है, देखो सुबह ही सुबह क्राउड, ये क्राउड रहता है जी। भाई साहब भोजन बहुत बढ़िया है, ये गरीबों का होटल है, गरीबी चला रहे हैं इसको। अच्छा गरीबी चला रहे हैं, तो मेहनती लोग बहुत आते होंगे यहाँ पे। सब रिक्शा आने वाले, खाना खाने वाले, 20 रुपए मिलता है खाना, 20 रुपए में खाओ पियो फिर रिटर्न। भाई साहब पैकिंग की व्यवस्था रहती है हमारे पास, तो चावल भी है इसमें, क्या रोटियाँ रोटी है। तो चूल्हे की रोटी का थोड़ा स्वाद भाई देसी रहता है एकदम, बिल्कुल गांव की याद आ जाती है कि भाई यहाँ वो गांव का जो देहातीपन, चूल्हे की रोटी, माँ दादी के हाथों की रोटी। तो भाई खाने में अगर चार चांद लगती है ना, तो रोटी चूल्हे की रोटी हो साथ में तो खाने का स्वाद डबल हो जाता है। और देखो दादी हमारे आलू के पराठे सेक रही है। तो दादी आपको कितना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए? 16 साल हो गई। आलू के पराठे पूरे दिन चलते हैं कि सुबह सुबह चलते हैं? मैं तो नाश्ते की दौर बनाती हूँ, दोपहर 12 बजे तक। 12 बजे तक के बाद जाड़ों में सब रेजिंग चलते हैं। अच्छा अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह का ही वक्त है, लोगों का नाश्ता चल रहा है यहाँ पर, लोग खाना भी आके खा रहे हैं, लोग पराठे भी आके खा रहे हैं। ये देखो खाना लेने के बाद ये बड़ी सी टेबल है, यहाँ पर बैठ के आराम से बढ़िया से लोग इंजॉय करते हैं खाने का। तो ये भाई साहब हमारे आनंद ले रहे हैं सुबह ही सुबह, 20 रुपए में पेट भर भोजन मिल रहा है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, लंबे समय से खा रहे हैं। देखो भाई साहब ने अभी भोजन किया, कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा। तो ये गरीबों का भाई ढाबा है, ये गरीबों का होटल है, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो काफी समय से खा रहा हूँ। अच्छा कहाँ से हो आप? आगरा से ही हो? आगरा से ही। आगरा से ही हो तो अक्सर यहाँ आकर भोजन करते हैं। बढ़िया लगता है आपको इतने कम बजट में आपको पेट भर भोजन मिल रहा है? भाई सुबह ही सुबह अगर आप बड़ी कचौड़ी भी खाने जाओगे तो वो भी आपको 20 रुपए की दो मिलेगी। क्यों जी? तो 20 रुपए में आपका पेट फुल हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात होती है। भाई पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मैं भैया का, जो 20 रुपए में लोगों को भोजन दे रहे हैं, इतना बढ़िया भोजन दे रहे हैं, चूल्हे की रोटी दे रहे हैं, सब्जी मिल रही है आपको। हाथ की रोटी नुकसान नहीं कर सकती है। अच्छा पहली चीज, और दादी माया इसका पुराना बहुत रिकॉर्ड सही है। अच्छा ईमानदारी से खाना खवाते हैं। अच्छा और 10 रुपया में बिल्कुल स्पेशल सब्जी एक फ्री। अच्छा एक फ्री, ये 4 रोटी 20 रुपया में। 20 रुपए में 4 रोटी और सब्जी? 4 रोटी और सब्जी फ्री, और एक स्पेशल सब्जी 10 रुपया में, वो भी बहुत बढ़िया स्पेशल। बढ़िया और पेट साफ रहता है, खाना बहुत बढ़िया आराम। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे है ढाई दो साल, 2 साल हो गई। तो अक्सर आते रहते हो कि कभी कभी आना होता है? आता रहता हूँ। अच्छा एक मक्खन लाता हूँ चिपल के खाता हूँ। अच्छा मक्खन भी लाते हो? तो ये भाई शौकीन है ये चूल्हे की रोटी। और गांव का आदमी हूँ, गांव की रोटी पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा शहरों में क्या है, होटलों में क्या है, 3-3, 4-4 नई सब्जी मिलती है, ताजा बनती है यहाँ, ताजा बनती है, ताजा बनती है। और पुराने होटल नए स्पेशल 5-स्टार होटल में बासी सब्जी मिलती है, 4-4, 5-5। यहाँ तो ओपन किचन है, आपकी आंखों के आगे बनाया जा रहा सब कुछ, आंखों के आगे बनाया। भाई ऐसा भी नहीं है कि आपके पीठ पीछे जाकर चोरी छुपे कुछ और डाल दिया जाए? कोई लो लास्ट नहीं, हम सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। यहाँ तो बहुत आते हैं, शाम को 12-10 बजे तक लास्ट है। अच्छा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। तो लोगों को 20 रुपए में पेट भर खाना मिल रहा है, 20 रुपए में पेट भर नाश्ता भी नहीं मिलता आगरा के अंदर। क्या एक कचौड़ी 15 की आ रही है, क्या होगा, क्या होगा जी बताओ? यहाँ 4 रोटी वो भी चूल्हे की रोटी है, हाथ भाई साहब भी है, बड़े बड़े रईस आते हैं, बड़े बड़े रईस पैक करा के ले जाते हैं घर पे। अच्छा रोटी ऐसी मिलती नहीं है, चूल्हे की, चूल्हे की रोटी है। तो भाई साहब ने भी आनंद लिया, कैसा लगा आपको भोजन सर? नहीं आनंद तो रोज लेते हैं, हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ अपना खाना पीना खा के जाते हैं। भाई सभी लोग आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि भाई मजदूर लोग जो डेली वर्कर है वो आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं और यहाँ की रोटी का स्वाद लेते हैं। और दादी भी काफी पुरानी है यहाँ पर, 15-16 साल तो हो गए दादी जी। हाँ जी। तो सुबह सुबह आ रहे हो तो यहाँ पराठों का भी टेस्ट ले सकते हो, सर्दियों में तो पराठे पूरा चलता होगा दिन भर। सर्दियों में चलता है, इस टाइम नाश्ते की सेवा 12 बजे तक, 12 बजे तक रहता है यहाँ पर। तो बढ़िया से पराठे चल रहे हैं जी। और ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल। भाई सरसों के तेल के पराठे, रिफाइंड का कोई काम नहीं है। जाती है 10 बजे तक बंद होती है, और सुबह से खुलने से लेके रात के 10 बजे तक चूल्हा लगातार चलता रहता है, तवे पे रोटी पराठे आपको रेगुलर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्वाद है जी, यहाँ स्वाद होता है, वहाँ लोगों को आना तो लाजमी है। अच्छा तो भाई साहब भी बोल रहे हैं जितने रईस लोग हैं ना उनके नौकर आते हैं और यहाँ पर रोटियाँ पैक करा के ले जाते हैं। चलो अब टेस्ट करते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये 10 रुपए की है, 4 रोटियाँ 20 रुपए की। अच्छा। ये फ्री है, फ्री है, ये सब्जी फ्री मिलती है। तो 30 रुपए में बढ़िया सा पेट टन हो जाएगा आपका। तो देखो सब्जी होटलों पे 50 रुपए की आती है, 70 रुपए की आती है होटलों पे, होटलों पे यहाँ 10 रुपए की देते हैं ओनली। अच्छा और स्पेशल सब्जी आपकी डेली ताजा बनती है। सही बात है भाई, ओपन किचन है, सारा कुछ ओपन है,
सारा कुछ ओपन है, तो आप बनते हुए भी देख सकते हो यहाँ पर आके बनते हुए, और ताजा गरम गरम रोटी लो चिपड़ो भाई। ऐसे इस खाने को देख के तो मुझ पे रहा नहीं जा रहा सच में, अब मैं तो ट्राई करने जा रहा हूँ, तो आप आनंद लो चाचा जी। आनंद, कोई इंसान एक बार खा गया वो दोबारा जरूर आएगा। तो ये दाल आ गई, देखो अभी सारी चीजें ले रहे हम, तो ये दाल है हमारी, दाल ले ली, अचार भी है, ये अचार भी है साथ में, तो ये आलू है, आलू टमाटर है, महंगाई में टमाटर भी मिल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं केवल डिश करेंगे। तो ये आलू और बरी है भैया, आलू और रमास है। तो रंगत देख लो भाई, लोगों का सोच ये रहती है कि रोड साइड है तो ठीक नहीं मिलेगा, हाइजीन नहीं होगा, क्वालिटी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखो भाई चूल्हे की रोटी आ गई बढ़िया सी, ये रोटी ले लिए और बढ़िया से आनंद लेंगे हम। कितनी मुलायम है ये देखो, साथ में सब्जी रहती है 10 रुपए की अलग से ले सकते हो आप। ये भी अलग से रहती है दाल है, और चेंज रहती है सुबह भी चेंज मिलेगी, शाम को भी चेंज मिलेगी आपको, और हर दिन अलग मिलेगा आपको। ये सब्जी फ्री रहती है, 4 रोटी सब्जी 20 रुपए की, साथ में सब्जी 10 रुपए की अलग से ले सकते हो आप। तो कुल 20-30 रुपए में आप पेट भरकर भोजन का आनंद ले सकते हो। तो देखो भाई साहब भी हमारे आनंद ले रहे हैं, तो साथ में 4 रोटी है दाल, तो आते रहते हो भाई साहब की? हाँ जी, रोजाना आते हैं। अच्छा, खाना बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, पुलिस वाले हैं देखो भाई साहब हमारे। भाई साहब है, अब मैं क्या परिचय दूं आप, बस ये है कि आनंद ले रहे हैं भोजन का, ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे आगरे के अंदर है, मत खाना है, 20 रुपए का है, 20 रुपए का, 20 रुपए का पूरे आगरे में, पूरे आगरे के अंदर वन टोला नाइजी मंडी बस ही तक लेकर उतारा, पूरे एरिया के अंदर के उतारा हूँ। अच्छा, 20 रुपए में मिल रहा है, 4 रोटी मिल रही है, सब चीज मिल रही है, और क्या चाहिए। दोस्तों आज मैं आया हूँ आगरा के संजय पैलेस में, जैन टेम्पल के जस्ट सामने शिवम ढाबे पर, और यहाँ आनंद ले रहा हूँ यहाँ के देसी खाने का। चलिए गाइस यहाँ पर लेते हैं चूल्हे की रोटी का बढ़िया सा टेस्ट, साथ में हरी मिर्च। तो भाई 200 रुपए किलो करीब टमाटर चल रहे हैं, और यहाँ देखो आलू टमाटर की सब्जी मिल रही है 20 रुपए में, 20 रुपए में। बढ़िया सा टेस्ट है भाई, रोटी खाने में काफी सॉफ्ट है क्योंकि हाथ की है, और बड़े प्रेम से बनाई हुई है। अभी टेस्ट करते हैं दाल से, तो ये हमने एक्स्ट्रा ली हुई है 10 रुपए की है। तो पूरे आगरा में इससे सस्ता खाना आपको कहीं मिलेगा नहीं, 20 रुपए में आपको पेट भर खाना मिल रहा है, 4 रोटी आलू की सब्जी हरी मिर्च के साथ, दाल का स्वाद है, जबरदस्त, सारा जबरदस्त एकदम। गाजर बढ़िया सा खाना भाई साहब, बढ़िया सा खाना है। मेरा रिव्यू फेल है इसके आगे, क्योंकि इस खाने के आगे ना लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है भाई, 20 रुपए में पेट भर, लोग सालों से आ रहे हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। रिव्यू की बात करूँ ना तो 10/10 है ये, सच में दोस्तों बहुत बढ़िया है। आप इतने पुराने कस्टमर हो, स्वाद में कुछ अंतर है यहाँ पर? बिल्कुल, घर जैसा, हमने घर बनाया वही बंद कर दो, यही पे बैठे रहते। अच्छा, तो ये ऑफर किया जा रहा है मठा, बस 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 पीजी का कोई दारू से पैंच उतर रही पीजा। तो भाई ये खाने का ये है मजा, तो अभी खाना खाया, मुझे काफी अच्छा लगा, बेहद टेस्टी है, और 20 रुपए का स्वाद मिल रहा है आपको, तो बढ़िया सा टेस्ट है। रोड साइड होटल है तो आप ये मत समझिएगा अनहाइजीन है और टेस्ट नहीं है, तो टेस्ट की तो फुल गारंटी लेता हूँ मैं। और लोकेशन बता देता हूँ, सामने ये जैन टेम्पल है आगरा के संजय पैलेस में, सामने जैन टेम्पल है, और हरी पर्वत थाने वाला रोड है, जैन टेम्पल के जस्ट सामने आपको ये शिवम ढाबा मिल जाएगा। तो जब भी आ रहे हो तो आपको ये जमघट मिलेगा, लोगों का यहाँ क्राउड रहता है, चूल्हा बंद नहीं रहता यहाँ पर, इतना क्राउड रहता है, लोगों का प्यार रहता है। चलिए दोस्तों खाने का आनंद लिया, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिना कह लाइक कर देना, ढेर सारे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी ढेर सारे देसी स्वाद के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।